हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ महिंद्रा अल्फा डीएक्स ऑटो रिक्शा बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग महिंद्रा अल्फा डीएक्स ऑटो रिक्शा खरीदना है अभी के समय में, एक्यूरेट का ऑन रोड प्राइस, एक्सोरूम प्राइस बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग ऑटो रिक्शा को फाइनेंस में निकालना है, डाउन पेमेंट, लोन अमाउंट मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को बताऊंगा। अगर ऑटो रिक्शा का जो भी स्पेसिफिकेशन होगा तो सारी बातें इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो को पसंद आने पर लाइक कर देना, अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिकेशन बारे में बात कर लेते हैं। इंजन होगा 597.7 सीसी, मैक्स पावर होगा 7 kW/3600 rpm, मैक्स टॉर्क होगा 23.5 न्यूटन मीटर (2200 rpm). फ्यूल टाइप होगा डीजल। फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगा 10.5 लीटर। मैक स्पीड होगा 54 किलोमीटर पर आवर। माइलेज 28.9 km माइलेज देखने को मिल जाएगा। गियर बॉक्स का 5+1 रिवर्स गियर देखने को मिल जाएगा। जीपीडब्ल्यू होगा 835 kg। पेलोड कैपेसिटी होगा 320 kg। दोस्तों, ऑटो रिक्शा का एक्सोरूम प्राइस होगा 3,31,000 और रेडियो प्लस इंश्योरेंस आधा चार्ज सभी टैक्स मिला के ऑटो रिक्शा का ऑन रोड प्राइस होगा 3,70,000। आपका पास बजट कम है तो फाइनेंस में निकालना है, डाउन पेमेंट आप लगेगा 60,000, लोन अमाउंट बनता है 3,10,000। अगर जिस कंपनी से फाइनेंस कर रहा है इस कंपनी को रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, मैंने उसका टाइमली या 6 मंथ 3 ईयर के लिए पर मंथली ईएमआई कल करेगा 9,800 rupees पर मंथली पेगा ना कंपनी को। दोस्तों, अगर आप लोग 4 ईयर के लिए फाइनेंस करना है तो पर मंथली ईएमआई कल करेगा 6,400 rupees पर मंथली पेगा ना कंपनी को। दोस्तों, अगर आप लोग ऑटो रिक्शा को आधा सीरीज से खरीदना है, आप लोग मुझे कमेंट कर सकता है, मैं कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।